बता रहे हैं भाग वन में हम चार नियम बताए थे और हम नियम पांच। तो नियम पांच में क्या है, एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपए में पुस्तक खरीदा है, इस पर 5% का छूट देकर 10% लाभ लेने के लिए पुस्तक पर कितना अंकित मूल्य लिखेगा। जैसा हमने कहा है, पहले सवाल जो है पढ़िए, पहले उसमें देखिए हमको क्या क्या दिए हैं, क्या निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। अब इसको हम देखेंगे कि एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपए में पुस्तक खरीदा है, यानी कि जब किसी वस्तु को जितने रुपए में खरीदा हो वही उसका क्रय मूल्य है। अगर पुस्तक को उसने 95 रुपए में खरीदा है, इसका मतलब कि हमें क्रय मूल्य दिया गया है। हमें क्रय मूल्य कितना दिए हैं, क्रय मूल्य दिए हैं बराबर 95 रुपए। अब क्या कर रहा है, देखिए जो इन्होंने 95 रुपए में पुस्तक खरीदा, इस पर जो है 5% का छूट देकर, पहले इस पर जो है 5% का छूट देता है, फिर उसके बाद 10% लाभ लेने के लिए पुस्तक पर कितना अंकित मूल्य लिखेगा, यानी कि पहले क्या देता है, वो छूट देता है, यानी छूट की दर क्या है, 10% है, 5% यानी 5% का छूट देकर 10% लाभ लेने के लिए, यानी कि लाभ की दर क्या है, या प्रतिशत लाभ बराबर, प्रतिशत लाभ बराबर है 10%। तो हमें क्या निकालना है, अंकित मूल्य। अब हमें अंकित मूल्य निकालना है, तो अंकित मूल्य कैसे निकालेंगे, यानी बराबर हुआ, मान लीजिए कभी खरीदने वाला दाम दिया गया हो, यानी कि क्रय मूल्य दिया गया हो, और छूट की दर दिया गया हो, और हमें प्रतिशत लाभ दिया गया हो, अंकित मूल्य निकालना है। अगर हम नियम वाइज पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे सवाल को हम पढ़ेंगे पहले, उसमें देखेंगे हम यानी क्या क्या दिया गया है और क्या निकालना है। तो जो निकालना है उसका सूत्र क्या है, ये चीज मालूम होना चाहिए, मतलब अंकित मूल्य है कहां। क्योंकि हम जानते हैं, देखिए हम आए हैं, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर होते हैं अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस प्रतिशत छूट, यानी कि छूट की दर बटे 100। ये है, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य जितना हो इंटू 100 माइनस प्रतिशत छूट बटे 100। अब देखिए इधर, यानी कहने का मतलब हमें अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो भाई अंकित मूल्य ज्ञात कब हुई, अगर हमका अंकित मूल्य निकालेंगे हम, देखे मतलब हमका विक्रय मूल्य मालूम हो जाए और छूट की दर ज्ञात हो जाए, नहीं प्रतिशत छूट मालूम हो जाए। अगर विक्रय मूल्य निकालेगा है तो हमका अंकित मूल्य मालूम हो चाहिए और प्रतिशत छूट मालूम हो चाहिए। अब देखेंगे इसमें हमको अंकित मूल्य ज्ञात करना है तो क्या इसमें विक्रय मूल्य दिया गया है, नहीं दिया गया है, इसमें छूट दिया गया है। अब विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे हम, अब हमारा विक्रय मूल्य के बिना काम रुक रहा है, इसका मतलब चूंकि हम जानते हैं नियम तीन में हम बताए हैं लाभ हानि में, तीसरा नियम है अगर हमका क्रय मूल्य दीन हो, प्रतिशत लाभ दीन हो, तब हम विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लाभ निकालेंगे, तो लाभ बराबर का होते जितना, यानी कि
क्रय मूल्य हो, यानी 95 रुपया क्रय मूल्य है, इंटू जय परसेंट वो लाभ चाहते हैं उतना बटे 100। अगर 10% लाभ चाहते हैं तो 10/100 हो जाए, अगर 15% का लाभ चाहते हैं 15/100 हो जाए। अब एक मतलब हो जाए 0 से 0 हमारे कटेगा, अब नीचे एक जीरो बचा है तो ऊपर एक अंक पर दशमलव लगा देंगे हम, तो हमारा ये यानी कि 10 खत्म हो गए, यानी कि 9.5 रुपए। यानी कहने का मतलब कि जब क्रय मूल्य 95 रुपए था और 10% का लाभ चाहते थे तो कितने का लाभ होगा, 9.5 रुपए का, यानी कि 9.50 रुपए का लाभ हुए। तो आप बताइए कितने बेचे हैं, अब चूंकि लाभ हो रहा है अब बेच रहे हैं तो इसका मतलब हमें लाभ का विक्रय मूल्य, तो लाभ का विक्रय मूल्य का हो ये, यानी जितना क्रय मूल्य हो अधन जितना लाभ हो, यानी कहने का मतलब क्रय मूल्य कितना है 95 रुपया, अधन लाभ जितना लाभ हो यानी कि 9.5, तो 95 और 9 यानी 104.5 रुपए। यानी कहने का मतलब मान लीजिए सवाल किसी ने इस तरह से दे दिया, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 95 रुपए है और उसे 10% लाभ पर बेच दिया गया, तो कितने रुपए में बेचा गया। तो अगर यह तरह सवाल आ जाए तो केवल यही तक लगेगा, यानी कि लाभ का विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा हम बता दिए हैं। अब चूंकि हमें लाभ का विक्रय मूल्य हमें निकालना नहीं है, हमें ज्ञात करना है अंकित मूल्य। अब क्या करेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य इंटू 100 - प्रतिशत छूट / 100। अब विक्रय मूल्य कितना आएगा, 104.5 बराबर अंकित मूल्य, तो हमें अंकित मूल्य निकालना है, यानी कि जो ज्ञात करना है उसको हम उतार लेंगे। अंकित मूल्य इंटू 100 है 100 लिखा, माइनस प्रतिशत छूट कितना है 5 है, यहां 5 लिख दीजिए, बटे 100 है 100 लिख दीजिए, ये है। अब मुझे 104.5 बराबर यानी कि अंकित मूल्य जो ज्ञात करना है उसको उतार लीजिए, इंटू अब 100 में से 5 घटा दीजिए यानी कि 95/100 अभी भैया। अब एक है मतलब ये 104.5 जब इधर हम यानी कि उधर जो ऊपर है उसको जब बराबर इधर लाएंगे तो नीचे हो गए, जो बराबर उधर नीचे लिखा हुआ है अगर उसको इधर लाते हैं तो ऊपर हो जाएगा, बराबर का हो गए अंकित मूल्य के बराबर हो गए अंकित मूल्य। अब इसी को हम काटेंगे, यानी कहने का मतलब 104.5 इंटू 100/95, ऊपर एक अंक पर दशमलव है, जब इसको खत्म करेंगे तो नीचे एक जीरो बढ़ा देंगे, अब हम 0 से 0 काट देंगे हम। अब इसको जब काटेंगे 5 से काटिए तो 5 * 9 = 5 + 4 = 9 यानी 9 = 45 और 5 * 2 = 10। अब 2 से काटिए 2 * 5 = 10 2 * 4 = 8 = 9 100 का काटे के बाद 100 आएगा, 100 बराबर अंकित मूल्य। यानी कहने का मतलब ये हमारा अंकित मूल्य कितना आ गया, अब लिख अंकित मूल्य इधर लिख लीजिए, अंकित मूल्य बराबर यानी कि 110 रुपए, ये हमारा आंसर है। कहने का मतलब अगर मान लीजिए इसमें कहीं दिक्कत हो, हम एक सवाल और बताते हैं, अगर क्रय मूल्य दे रहा है, छूट की दर दे रहा है, प्रतिशत लाभ दे रहा है, तो अंकित मूल्य हम कैसे निकालेंगे, इसी का हम दूसरी सवाल बता रहे हैं इसी टाइप के। देखिए हम यानी कि नियम 5 के हम दूसरी सवाल बता रहे हैं उसी टाइप के,
जैसे लिखा एक पुस्तक विक्रेता 153 रुपए में पुस्तक खरीदा है, यानी कहने का मतलब वो पुस्तक विक्रेता ने कितने रुपए खरीदा है, 153 रुपए का। जितने रुपए में खरीदा है वही हमारा क्रय मूल्य है, इसका मतलब कि हमें क्रय मूल्य दिया गया है 153 रुपए। अब आगे चलिए, इस पर 15% का छूट देकर, एक है मतलब हमें प्रतिशत छूट दिया गया है 15% छूट देकर 20% लाभ लेने के लिए पुस्तक पर कितना अंकित मूल्य लिखेगा। अगर हमें अंकित मूल्य निकालेगा है, और हम कैसे निकालेंगे, पहले हमको दिया गया क्रय मूल्य, जो जो दिया गया पहले उसको हम लिखेंगे, यानी कि क्रय मूल्य बराबर देना है 153 रुपया और प्रतिशत छूट देना है 15% और प्रतिशत लाभ देना है यानी कि 20%। तो अंकित मूल्य निकालेगा है तो लिखेंगे हम, यानी कि अंकित मूल्य बराबर व्हाट, समझ लीजिए बेटा, जैसे अगर कहीं दिक्कत हो बताइएगा, लेकिन यह है कि वीडियो शुरू से आखिरी तक देखिए, अगर आप लोग लाइक करते रहेंगे तो हम वीडियो बना बना करके आप लोगों के पास भेजते रहेंगे। तो देखिए इधर, अगर हमें क्रय मूल्य दिया गया हो, प्रतिशत छूट दिया गया हो और प्रतिशत लाभ दिया गया हो, जब कभी आपके सामने ऐसी सीन आती है कि हमें ये सब दिया गया है अंकित मूल्य निकालेगा है, तो चूंकि हम जानते हैं अंकित मूल्य के सूत्र का होता है, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर, यानी कि अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस प्रतिशत छूट बटे 100, यही है, यही हमारा, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस प्रतिशत छूट बटे 100। अगर हमका अंकित मूल्य निकाले का है तो हमका पाए नहीं कि विक्रय मूल्य और प्रतिशत छूट मालूम हो जाए, लेकिन जब हमने देखा नहीं तो हमका प्रतिशत छूट देना है लेकिन हमका विक्रय मूल्य नहीं देना है। अब विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य अगर निकाले का है तो यानी कि क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ दे रहे, तो हम बताएंगे जब क्रय मूल्य दे रहा है प्रतिशत लाभ दे रहा है तो हम पार्ट यानी लाभ हानि के पार्ट वन में बताए तीसरा नियम है, तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लाभ लिखते हैं, तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होते हैं जय रुपया खरीदे हैं जितना क्रय मूल्य है 153 इंटू जय परसेंट हुए लाभ चाहते हैं, 20% का लाभ चाहते हैं तो 20/100 भैया। अब इसको जब काटेंगे हम ये होगा 153 इंटू 20/30.6 रुपए, यानी कहने का मतलब जब किसी वस्तु को जैसे 153 रुपए में अगर हमने खरीदा है, अब 20% लाभ पर अगर हम बेचेंगे तो कितने रुपए का लाभ हुआ होगा, 30.6 रुपए का लाभ होगा, लेकिन हमें निकालना है विक्रय मूल्य, इसका मतलब कि हमें लाभ का विक्रय मूल्य निकाल लीजिए, अगर लाभ हो रहा है तो लाभ का विक्रय मूल्य, तो लाभ का विक्रय मूल्य क्या होगा, लाभ का विक्रय मूल्य, तो लाभ का विक्रय मूल्य होगा यानी कि जितना क्रय मूल्य हो उतना प्लस जितना लाभ हुआ हो प्लस उतना, यानी क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है 153 है, अघन लाभ, लाभ कितना है देखिए लाभ निकाले हो 30.6, तो यानी कि 153 और 30 183.6 रुपए। अब यानी कि हमारा विक्रय मूल्य निकल गया और हमें निकालना क्या है अंकित मूल्य। अब अंकित मूल्य कैसे निकालेंगे, पहले विक्रय मूल्य लिखा है, जहां विक्रय मूल्य लिखा है यहां लिख देंगे हम 183.6 लिख देंगे बराबर अंकित मूल्य। अब अंकित मूल्य हमका निकालेगा है
तो इसको क्या करेंगे हम, इसको उतार लेंगे, इंटू सब ऐसा लिखा माइनस प्रतिशत छूट दिन है 15 लिखेंगे हम, अब बटे सब ऐसा लिखा। अब क्या करेंगे हम देखिए, ये नहीं कहने का मतलब 183.6 बराबर अंकित मूल्य, क्योंकि अंकित मूल्य हमें निकालना है इसलिए इसको हम उतारेंगे, इंटू सौ में से 15 घटा देंगे हम, 85 बटे 100। अब यानी कि यह 183.6 अब बराबर के उधर जो ऊपर लिखा गया है अगर उसको एक बराबर इधर लाते हैं उसको तो हम नीचे ले देंगे, जो बराबर उधर नीचे लिखा हुआ अगर इस मतलब इसको हम इधर ले आते हैं बराबर के तो ई ऊपर लिखा जाए इंटू सौ, तो ई बराबर का हो जाए अंकित मूल्य के जो हमें निकालना है, ये अंकित मूल्य के बराबर। अब पीआईजे 216 बराबर यानी कि जो हमें ज्ञात करना था यानी कि अंकित मूल्य, यानी अंकित मूल्य कितना आएगा, अंकित मूल्य आएगा बराबर 216 रुपए, यही हमारा आंसर है। यानी कहने का मतलब अगर क्रय मूल्य दे रहा है, प्रतिशत छूट दे रहा है, प्रतिशत लाभ देना है, अब यानी कि अंकित मूल्य ज्ञात करना है तो हम नियम 5 लगाएंगे। अगला देखिए अगला क्या नियम है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 80 रुपए है, इसको 68 रुपए में बेचा जाता है, इसको 68 रुपए में बेचा जाता है तो बट्टे की दर ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हमने कहा है सबसे पहले सवाल पढ़िए, उसमें देखिए कि हमें क्या क्या दिया गया है, फिर देखिए कि क्या ज्ञात करना है, यही दो चीज करना है बस केवल। इसको जब हम पढ़ेंगे तो देखिए क्या मिलता है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 80 रुपए है, इसका मतलब हमें मिल गया अंकित मूल्य, अंकित मूल्य तो अंकित मूल्य बराबर हो गया 80 रुपए। फिर आगे हम पढ़ेंगे इसको 68 रुपए में बेचा जाता है, यानी कहने का मतलब जैसा कि हमने बताया है कि जितने रुपए में बेचा जाता है वही हमारा विक्रय मूल्य है, अगर 68 रुपए में बेचा जाता है तो यह हमारा विक्रय मूल्य हुआ, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर देना है 68 रुपए। अब हमें क्या ज्ञात करना है, कह रहा है तो बट्टे की दर ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें बट्टे की दर ज्ञात करना है, बट्टे की दर बराबर हुआ। जब कभी आपके सामने ऐसी सीन आती है कि यानी सवाल पढ़े के बाद हमको उससे मिल जाए मतलब अंकित मूल्य और मिल जाए विक्रय मूल्य और ज्ञात करे कह दी जाए कि बट्टे की दर ज्ञात कीजिए, तब हम कैसे लगाएंगे, जैसा कि हमने कहा सबसे पहले जो हमें ज्ञात करना है उसका सूत्र क्या होता है पहले हम उसको देखेंगे। तो बट्टे की दर ज्ञात करना है तो बट्टे की दर क्या होता है, तो बट्टे की दर बराबर मान लीजिए किसी ने पूछ लिया कहो बट्टे की दर बराबर का होता है तो 100 इंटू छूट बटे अंकित मूल्य, बटे अंकित मूल्य। मान लीजिए किसी ने पूछ लिया कहो बट्टे की दर ज्ञात करे को तो क्या सूत्र का होता है, अगर हमें याद है तो हम तुरंत बता देंगे कि बट्टे की दर बराबर होता है 100 इंटू छूट बटे अंकित मूल्य, यही होता है। अब हम देखेंगे कि अगर हमें बट्टे की दर ज्ञात करना है तो छूट मालूम हो चाहिए और अंकित मूल्य मालूम हो चाहिए, लेकिन जब हम इसमें हमने देखा इसमें जो है हमें छूट नहीं दिया गया है, अंकित मूल्य देना है लेकिन हमका छूट नहीं देना है,
अब छूट के बिना काम हमारे रुके, लेकिन फिर जोन ज्ञात करेगा है, अगर छूट ज्ञात करेगा है, अब ओके सूत्र का होता है ई मालूम हो चाहिए कि छूट बराबर का होता है। अब यानी कि इसका सूत्र है, अगर मान लीजिए छूट निकाले को तो जितना अंकित मूल्य हो, यानी कि अंकित मूल्य जितना हो ओहमन से अगर विक्रय मूल्य घटा देंगे और जो घटाने पर निकलेगा वही हमारा छूट है। मान लीजिए कभी अगर ऐसी सीन आती है कि हमका अंकित मूल्य देना है और विक्रय मूल्य देना है, छूट निकाले का है, तो वो मतलब उसका सूत्र क्या है छूट के, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, एक है मतलब अंकित मूल्य है 80 रुपए, अब माइनस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य है 68 रुपए। अब इसका मतलब कि 80 में से 68 घटाएंगे और घटाने पर जो आएगा वही हमारा छूट है। तो अब 10 में से 8 गए 2, यहां बचे यहां हासिल दिए गए, यहां बचेगा 7, और 7 में से 6 घटाएंगे तो 1, यानी कि छूट आएगा 12 रुपए का। अब हम इसको उठा करके बट्टे की दर में के सूत्र में रख देंगे तो हमारा बट्टे की दर निकल गया है। जैसे 100 आए 100 लिखा, इंटू आए इंटू लिखा, छूट अछूट हम निकाले 12 ले लीजिए, बटे अंकित मूल्य, अंकित मूल्य दे 80 रुपए, तो यहां बटे 80 कर दीजिए। अब इसे काट दीजिए, यानी 112 एक का मतलब कुछ नहीं, तो 5 3 15। अब बट्टे की दर अगर निकाल दी तो जो हल के पे आए वो प्रतिशत में आएगा। ये है कहने का मतलब, अगर हमका अंकित मूल्य दीन हो, अब विक्रय मूल्य दीन हो, अब बट्टे की दर ज्ञात करे को सबसे पहले छूट निकालेंगे, और छूट निकाल करके ले जा करके बट्टे की दर के सूत्र में रख देंगे तो हमारा निकल आएगा बट्टे की दर। अगला देखिए, अब नियम 7। अब नियम 7 देखने से तो ऐसा लगता होगा कि बहुत कठिन सवाल है, लेकिन हम बहुत आसान तरीका से बताएंगे। लेकिन वीडियो को आखिर तक मतलब यानी शुरू से आखिर तक देखिए, और लेकिन ये है भाई लाइक जरूर करिए, अगर पसंद आता है तो लाइक करिए और उसको और आगे हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए। देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य समझ लीजिए पहले, इसमें कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है और अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, यानी कि क्रय मूल्य पर नहीं अंकित मूल्य पर 10% का छूट की छूट दी जाती है, तो इस प्रकार कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। तो अब देखिए कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। अगर हमका प्रतिशत लाभ निकाले का है तो खरीदने वाला दाम और बेचने वाला दाम ये मालूम होना चाहिए। तो अब देखिए इधर, तो यानी किसका मान मानेंगे, कह रहा है कि अंकित मूल्य कामा क्रय मूल्य से 10% अधिक है, तो यानी कहने का मतलब जिसका मूल्य कम रहता है उसी का दाम माना जाता है। इसलिए सबसे पहले हम मानेंगे, क्या मानेंगे, माना क्रय मूल्य, माना क्रय मूल्य बराबर 10 रुपया। इन्हीं क्रय मूल्य से मतलब यानी कहने का मतलब ये अंकित मूल्य जो है ये 10% ज्यादा है, तब अंकित मूल्य का हो जाए यक्स है और 10% ज्यादा है, तो 10% ज्यादा है तो एक मतलब 110/100। अगर मान लीजिए 15% अगर अधिक है तो 115/100 हो जाए। यानी कहने का मतलब ये है जितना क्रय मूल्य है वो से 10% हमारा अंकित मूल्य ज्यादा है। अगर मान लीजिए क्रय मूल्य अगर 100 रुपए है तब अंकित मूल्य कितना हो जाए, यानी जितना क्रय मूल्य हो इंटू 10% ज्यादा है,
तो 110 बटे 100 हो गए। अगर यानी कि 10% कम हो होता तो 90 बटे 100 हो जाता। तो अब यानी कहने का तो इसको जब काटेंगे हम तो जीरो से हमारा जीरो कट जाएगा, तो 11 करना 11x बटे 10 इतना रुपया हमारे अंकित मूल्य आ गया। अब आगे क्या दिए हैं, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है। एक है मतलब हमका प्रतिशत छूट दिया गया है, कितना दिया गया है 10% दिया गया है। देखिए विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस प्रतिशत छूट बटे 100। अब ये बराबर अंकित मूल्य, तो हमारा अंकित मूल्य कितना है 11x बटे 10 है इंटू फिर 100 माइनस प्रतिशत छूट, और प्रतिशत छूट हमारा कितना दिए हैं 10, तो ये भैया 10 बटे 100। अब ये बराबर 11x बटे 10 इंटू, अब यानी कहने का मतलब 100 में से हम 10 घटाएंगे तो 90 बटे 100 बराबर हो जाए, जीरो से हमारा जीरो कट जाएगा। जब कट गई तो हमारा बचेगा 11x99x बटे 100 इतना रुपए। कहने का मतलब कि अब हमारा विक्रय मूल्य निकल गया 99x बटे 100 रुपए। अब देखिए क्रय मूल्य दिए रहा है, अब विक्रय मूल्य निकलेगा। जैसा कि हम हर वीडियो हमने बताया है कि अगर प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि निकाले का है तो क्रय मूल्य मालूम हो जाए विक्रय मूल्य मालूम हो जाए। क्रय मूल्य हमका मालूम है 100 रुपया, अब विक्रय मूल्य मालूम है, अब हमारा क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया है और हमारा विक्रय मूल्य है 99x बटे 100। अब इसमें अगर रुपया हो तो वही की 10 रुपया हो तो 11 रुपया हो तो इसे पता चल जाए कि हमारा विक्रय मूल्य ज्यादा है, लाभ हो रहा है। अब मान लीजिए अगर क्रय मूल्य 11 हो अब विक्रय मूल्य 10 हो तो इसे ही पता चल जाए कि हमको हानि हो रहा है। लेकिन अब इसमें चूंकि यक्ष लगा हुआ है अब इसमें तरीके दिक्कत होती होगी कि कैसे हम जाने क्रय मूल्य हमारा ज्यादा है कि विक्रय मूल्य। अब यक्ष ही पूरे यक्ष के बराबर है, 99/100 x के बराबर है, यानी ये पूरा x नहीं है, इसका मतलब कि ये ज्यादा है। तो यानी खरीदने वाला मूल्य हमारा ज्यादा है इसलिए हमारा क्या होगा हानि होगा। हानि कब होगा, जब हम क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे तो हमारा हानि होगा। अब कितने का हानि होए क्रय मूल्य, अब क्रय मूल्य हमारा 100 रुपया रहा, अब माइनस विक्रय मूल्य, अब विक्रय मूल्य हमारा है 99x बटे 100 बराबर ये 100 लघुत्तम ले लेबे हम यहां बटे 100 नहीं तो 1 इनटू ये तो 100x अब माइनस अब 100 से 100 कट लिए यानी कि 99x बराबर कितना हो जाए, अब 100x में से 99x घटा दिया 1x अब बटे 100 यानी कि इतने रुपए के हानि हो गया। अब चूंकि तो कह नहीं रहा है कि कितने रुपए का हानि हुआ, कह रहा है कि प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। अब हम प्रतिशत हानि कैसे निकालेंगे, अब हमको प्रतिशत हानि निकालना है तो प्रतिशत हानि बराबर हो जाए 100 इंटू हानि अब बटे यानी कि क्रय मूल्य बटे का हो जाए क्रय मूल्य, तो 100 है 100 लिखा इंटू हानि, अब जितने का हानि भाव हो यानी कि यक्स बटे 100 के हानि भाव है इंटू क्रय मूल्य, और जितना क्रय मूल्य हो यक्स यानी कहने का मतलब 100 है 100 लिखा इंटू हानि, और हानि हमारा है यक्स बटे 100 तो हानि की जगह लिखेंगे यक्स बटे 100 इंटू क्रय मूल्य फिर लिखा है नीचे, अब क्रय मूल्य की जगह हम यक्स लिख देंगे। अब हमारा यक्स यक्स कट गया 100 से 100 कट गया, अब बचेगा क्या, जहां कुछ ना बचे वहां यानी कि एक लिखा जाता है, एक बचता है यानी 100 × 100 एक आएगा 1% हानि। ये कहने का मतलब मान लीजिए जब कभी ऐसी सीन आती है कि जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से इतना परसेंट अधिक है,
कह दिया जाए और अंकित मूल्य पर इतने परसेंट का छूट दिया जाता है, तो यानी कि प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे आगे देखिए, इसी का दूसरा रूप देखिए। एक सवाल हम दिए हैं नियम सात के दूसरी सवाल, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है, तो इस पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? तो इसको लगाइएगा। अब हम फिर अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद।